जा रहा है। ऐसे में आपके द्वारा खासकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, आगे 22 जनवरी की क्या तैयारी है? आपके माध्यम से भोजपुर वासियों को जय शंकर प्रणाम, जय सियाराम, पूरे देशवासियों को। बड़ी गर्व और उत्साह के साथ हम लोग सभी भारतवासियों के लिए ये पल सुनहरा पल है, जो ऐतिहासिक पल है, और हम सब मिलकर इसके गवाह बनने जा रहे हैं कि त्रेता युग के बाद माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्री रामलला का 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा। मुझे भी अपने गर्व है कि इस कार्यक्रम का जिला संयोजक बनाया गया है भोजपुर का। तो सारे जगह मैं सबसे निवेदन भी करता हूं, सब जगह घूमता भी हूं कि आए हम सब मिलकर अपने गांव के मंदिरों को स्वच्छ रखें, साफ सफाई करें और 22 जनवरी को 12 बजे से 1 बजे तक मिलकर पूजन पाठ करें, लड्डू प्रसाद वितरण करें लोगों के बीच में, और संध्या अपने घर में 5 से 11 दीपक जला कर दीपोत्सव मनाएं। क्योंकि त्रेता युग में जब लंका से विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे तो दीपोत्सव महोत्सव का कार्यक्रम चला और आज तक हम लोग मना रहे। राम जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप सोच सकते हैं कि एक मनुष्य में राजा का पुत्र जन्म लेने के बाद त्रेता युग से आज तक पूजनीय और सराहनीय उनकी ऐसा काम रहा, एक मर्यादा मर्यादित जीवन शैली लोगों को सिखाए, उनसे माता पिता के प्रति स्नेह, भाइयों के प्रति स्नेह, समाज के प्रति स्नेह, इस तरह का उनसे सबक सीखने का एक जीवन की कला है। वैसे प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग ही किए थे इस उद्देश्य से कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बने और 370-35 से हटे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये सपना साकार होने जा रही, ये गर्व की बात है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, जहाँ जहाँ उनके मुख्यमंत्री हैं, वहाँ वहाँ उत्साह का माहौल है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सत्ता नहीं है वहाँ से राजनीति दूसरा ही निकल रहा है। जबकि बिहार जो है भगवान राम के लिए एक अहम जगह है, चाहे माता सीता हो, चाहे बक्सर हो, चाहे भोजपुर हो, सभी यहाँ अहम भूमिका के लिए, यहाँ बिहार वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली राजनीति से ग्रसित लोग आपके सामने दिख रहे हैं। आप आरा में देखिए, रमना मैदान से लेकर गांव-गांव उस लोग उत्साहित हैं। बिहार में ऐसा नहीं कि उत्साहित नहीं है, माता सीता का जनकपुर से सीतामढ़ी से कई ट्रक उपहार स्वरूप प्रभु श्री राम के लिए गया, इवन चांदी सोना का खड़ाऊ तक गया, पहले भी गया है पत्थर से लेकर कपड़ा तक, अभी कपड़ा और प्रभु श्री राम का स्नान के लिए, जैसे कल 17 जनवरी था, प्रभु श्री राम का अयोध्या में नगर भ्रमण था, नगर भ्रमण के बाद विश्राम करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले उनकी स्नान होगी, वो जल सीतामढ़ी से गया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में उत्साहित नहीं लोग, बहुत उत्साहित है। जिस प्रकार से अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए सरकार की तरफ से वो चीजें नहीं देखने को मिल रही है। देखिए सरकार कुछ में राजनीति दिख रही है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए इस इवेंट को ग्रहण, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि राम सबके हैं लेकिन बीजेपी जो है राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। देखिए कांग्रेस जो कहती है अपने राम सबके, मैं उनका समर्थन देता हूँ, राम तो सबके हैं, सारे विश्व के थे और हैं और रहेंगे। अब इसमें राजनीतिक की रोटी सेकने के लिए बीजेपी कभी कदम नहीं उठाई। बीजेपी का उत्पत्ति और हुआ ही है रामलला के मंदिर निर्माण करने के लिए, 370 हटाने के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, भारत माँ को परम वैभव पर तक पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, जिसके पहले जनसंघ था। एक सवाल और है, क्या मील का पत्थर साबित होगा 2024 के चुनाव में, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रामलला की मंदिर बनेगा अयोध्या में तो बनेगा, तो क्या लगता है कि मील का पत्थर ये साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सब तो गर्व के साथ कहते हैं कि जिसके चलते हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की वो सपना साकार हो रहा। भारतवर्ष के सभी नागरिकों का 500 वर्ष से विगत इंतजार में अयोध्या के कई गांव ऐसा मिलेंगे जहां पर लोगों ने जूता चप्पल त्याग दिया था 500 वर्षों से। वो आईएएस भी हैं, वो अफसर भी हैं, नौकरी भी करते हैं, व्यवसायिक भी हैं, खेती भी कर रहे हैं, जूता चप्पल नहीं पहनते, उनकी सपना साकार होने जा रही है। रघुवान जी, एक सवाल है कि पहले शंकराचार्यों का विरोध था, उसमें से अब 2-3 शंकराचार्य मान दिए गए, पुणे में से एक शंकराचार्य का ये बयान है कि यह शास्त्र के विरुद्ध है कि प्राण प्रतिष्ठा जब पूरे मंदिर निर्माण के बाद होना था, तो इसे किस तरह से देखती है? देखिए शुभ मुहूर्त मिला, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद 22 जनवरी एक ऐसा 80 सेकंड का
शुभ मुहूर्त मिला, जिन्होंने ये शुभ मुहूर्त निकाला वो कोई छोटे साधारण व्यक्तित्व वाले या पंडित नहीं है, वो पंडित विद्वान है, उन्होंने कुछ अच्छा सोचकर ही निकाला है। और त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा राम जी का जब राज्याभिषेक होना था, शुभ मुहूर्त था और तत्काल उनको वनवास मिला, तो वो तो लोग उस समय क्वेश्चन उठाए थे, तत्काल में क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है, प्रश्न लगता है कि कैसा मुहूर्त निकला कि राम को राज्याभिषेक होते होते वनवास मिला। लेकिन एक राजा दशरथ के पुत्र से वनवास मिलने के बाद प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, ये छोटी बात नहीं है। तो ये शुभ मुहूर्त है और ये चीरकाल तक रहने वाला, कई युगों तक रहने वाला मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और थोड़ी सी कोई निर्माण में कार्य बाधित होगा तो बन जाएगा। 22 जनवरी के लिए अपने जिले वासियों से क्या अपील करें, उसे क्या करना है? 22 जनवरी हम सब 14 जनवरी से लेकर 15 जनवरी से सारे जिले वासियों में अपने गांव के मंदिरों को स्वच्छ रखें, ये काम 22 से 21 जनवरी तक है। 22 जनवरी के लिए करबद्ध सभी जिलावासियों से प्रार्थना है, प्रभु श्री राम का नाम लेकर हम सब आए मिलकर अपने गाँव के सभी मंदिरों को स्वच्छ करें, साज सज्जा करें, और 12 बजे से 1 बजे तक पूजन अर्चना करके गांव में प्रसाद वितरण करें, रात्रि संध्या बेला आरती करें, और अपने घरों में 5 से 11 दीपक जला के कम दीपोत्सव मनाएं, ये मेरी कामना है सबसे। जय श्री राम।